आगे बढ़ेंगे। खबर है कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नैब पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं हेलीकॉप्टर केस नैब के लिए चैलेंज है, देखते हैं इमरान नियाजी के खिलाफ नैब खड़ी होती है या नहीं। सहाफियों के साथ भी इजहार हमदर्दी की। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तारीख में 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज्यादा पीटीआई के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। अपना जो है ना वो खुदा खुदा कर कर 5 महीने हुए हैं, हर तरफ तश्वीश है। बड़े से बड़ा सरमायाकार आज पूछता है कि पाकिस्तानी मईशत का क्या बनेगा। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे आपके फॉरेन रिजर्व्स, आज 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये अपने खिलंडरेपन में इस मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। मईशत का बुरा हाल है, अपना अमन आमा का बुरा हाल है। जो हमने 16-16 घंटे की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद किया था, बिजली के कारखाने लगे थे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, आज फिर पाकिस्तानी कौम सर्दी के मौसम में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, तो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नजायज तजावजात की मद में गिरा दिया, गरीबों का रोजगार आपने छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ना सिर्फ ना अहल है बल्कि निकम्मे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एनआरओ कौन मांगता है आपसे? अलीमा खान को आप एनआरओ देते हैं एफबीआर में, और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो जेआईटी बनाओ, कौम के सामने लेके आओ। और भाई काम करना है तो शहबाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ, नवाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। आप अपने झूठ के बोझ तले खुद ही गिरे।